आप देखेंगे एशिया सर्कस में देश विदेश के कलाकारों द्वारा खैर अंगेज कारनामे। फ्यूचर नहीं है सर्कस का, कभी भी बंद हो सकता। अभी हम रॉयल सर्कस में काम करते तो हाल हाल में बंद हो गए वो। हमारा सर्कस से बहुत ही लगाव है क्योंकि सर्कस में शादी हुआ, सर्कस में बच्चे भी हुए। जब मैं 16 साल की थी तब मैं सर्कस में आई, भाग के आई थी। उसे मैं मेरे हस्बैंड से मैंने दूसरे सर्कस में जाके उनसे मिली, लव मैरिज हुआ हम लोग का, मम्मी पापा का अगेन। इसको दिक्कत ये आती है कि जब मालिक का सर्कस ही नहीं चलेगा तो आर्टिस्ट लोगों को पेमेंट कहाँ से देंगे। जब तक पहले जानवर थे तो पब्लिक भी आते थे, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आजकल कितने आर्टिस्ट कम हो गए। एक्चुअली में हम लोग गिरते हैं, चोट लगते हैं, उसमें से फिर सीख के आगे बढ़ते हैं। डांस करती हूँ उसमें फायर से कभी कभी मेरे बाल जल जाते हैं। कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती क्योंकि उन लोग सोचते हैं हम लोग छोटे कपड़े ड्रेस पहनते हैं, तो एक्चुअली में ऐसे बिल्कुल ही नहीं। सर्कस में लड़की लोग बहुत सेफ रहते हैं। रॉयल सर्कस में काम करते तो हाल हाल में बंद हो गई वो। वहाँ के आर्टिस्ट वगैरह कितने तो घर पे रह गए, और कितने जैसे कि हम यहाँ पर आ गए तो कितने लोग अपने घर पे ही है जिसका हाथ में कोई काम नहीं है, क्योंकि सर्कस के बाहर हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। जब तक कर सकूंगी तब तक करूंगी सर्कस, नहीं कर सकेंगे जाके बैठ जाऊंगी घर पे।